ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज डाइंग टू द वर्ल्ड, डाइंग टू द बॉडी, डाइंग टू द माइंड एंड डाइंग टू द ऑल नोन। अर्थात ध्यान संसार के प्रति मर जाना है, शरीर के प्रति मर जाना है, अपने मन के प्रति और जो कुछ भी ज्ञात है उस सब के प्रति मर जाना है। क्या तात्पर्य है मर जाने से? डाइंग से क्या तात्पर्य है? इस सूत्र जो बात कह रहा है उसको समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाली बात। सूत्र कहता है इस शरीर के प्रति मर जाना, मन के प्रति मर जाना, जो ज्ञात है, नोन है, उसके प्रति, जो ज्ञात है उसके प्रति मर जाना, संसार के प्रति मर जाना, अर्थात जैसा वो है उससे परे चले जाना। मरना एक विशेष प्रक्रिया का मिट जाना होता है। यहाँ पर मरने का अर्थ लिप्तता से, अटैचमेंट से दूर हो जाना, लेकिन यहाँ पे डाइंग जो वर्ड, ये मरने का शब्द जो उपयोग किया है सूत्र ने, वो बहुत तीव्र सुझाव है कि हम पूरी तरह अपने शरीर में रहते हुए ही जब शरीर से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि शरीर से आसक्ति हमारी नहीं रहती, शरीर को हम एक मशीन की तरह जानते हैं, उसका जो उपयोग है उसको घटने देते हैं और बहुत ज़्यादा उससे हम ग्रस्त नहीं होते, तो इस शरीर के प्रति मर जाना होगा। मन के प्रति भी वही है कि जब तक मन को अपना मानेंगे, शरीर के प्रति वही अपना मानेंगे तो ग्रस्त होंगे, मन को अपना मानेंगे यानी कि जो तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारे अनुभव, अनुभूतियां हैं, स्मृतियां हैं, उन सबको जितना अपना मानेंगे उतना ही जुड़े रहेंगे, उतना ही अटैच रहेंगे, उतना ही ग्रस्त रहेंगे। जिस दिन ये दिखाई देगा कि ये अपना तो कुछ भी नहीं है, न शरीर, न मन, न कोई विचार, न कोई अनुभव, न कोई अनुभूति, तो हम मन से भी मुक्त होंगे, वही मन के प्रति मर जाना होगा और संसार के प्रति, संसार के प्रति भी जो हमारी आसक्ति है वही हमको संसार में जिंदा रखती है। संसार है उसको अपनी जगह रहने दें, वो अपनी ही गति से चल रहा है तो उसको अपनी गति से चलने दें, उसमें उलझे नहीं। जो कुछ भी ज्ञात है यानी कि हम जो कुछ भी जानते हैं उससे बहुत अटैच हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, उससे हट जाएं। और फिर अगर हम मरने को थोड़ा सा अपने अंदर उतारें, मरने की जो घटना है उसके ढंग को, तो भी देखें कितना खूबसूरत प्रभाव होता है। संसार के प्रति मरने का जो ढंग, ऐसे जीना शुरू करें जैसे मान लो तुम मर गए हो, संसार अपनी जगह है, अब घटनाएं होंगी, घटनाओं के प्रति तुमसे जो संभव है वो सामान्य तुम अपनी प्रतिक्रिया करोगे और हट जाओगे। जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति संसार के प्रति कुछ कर नहीं सकता, अगर तुम उसी भावदशा में रहो कि संसार से उलझो नहीं, जो चारों तरफ का जगत है उससे उलझो नहीं, तुमसे जो बन पड़े उसको होने दो, जो नहीं बन पड़े उसकी कोई चिंता नहीं, जो हुआ उसका स्वागत करो, जो नहीं हुआ उसका भी स्वागत करो, और जो कुछ भी तुम्हारे लिए नोन है, ज्ञात है, उसके आगे भी जाओ, क्योंकि उसके आगे अज्ञात का, अज्ञेय का, अननोन का, अननोएबल का जगत है, वो तुम्हारे लिए और बड़ी संभावनाएं लेकर आएगा। ज्ञात में अटके रहेंगे तो हम अज्ञात और अज्ञेय की तरफ कभी बढ़ नहीं पाएंगे, और ज्ञात में अटकता है व्यक्ति उसको अपना मान लेने से, वो है जिसको तुम जानते हो, जो तुम्हारे लिए नोन है, वो बस एक संयोग है कि तुम्हारे लिए वो वैसा घटा है, उससे थोड़ा सा तटस्थता बनाकर जीना सीखे
और तब संभावनाओं के नए आयाम खुलना शुरू होंगे। तो इस ढंग से अगर हम शरीर, मन, संसार और ज्ञात इस सब को देखना शुरू करेंगे तो एक बहुत ही ठहराव और बहुत ही गहरी शांति हमारे भीतर आती है और जीवन गहरी समस्वरता से भरता है। तो जीवन के लिए इसको एक बहुत ही जीने की कला की तरह से भी हम देख सकते हैं कि जो हमसे होता है, यानी जो कुछ हमारी करने की क्षमता, उसको करते हैं लेकिन उसमें हम लिप्त नहीं होते, ग्रस्त नहीं होते। सब आना जाना चलता रहता है, परिवर्तन चलता रहता है, परिवर्तन घटता रहता है। तो उस परिवर्तन को घटने देंगे, उससे एक दूरी बनाए रखेंगे और इस जीवन की लीला को अपने ही ढंग से प्रकट होने देंगे और तब जो होगा वही ध्यान का शुद्धतम होना है। Thank you.